नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एमएस वर्ड का फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे पेज बॉर्डर फंक्शन के बारे में। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में वॉटरमार्क, हाइपरनेशन, कॉलम और एंटेजेशन, पेज लेआउट से संबंधित सभी फंक्शन को अच्छे से क्लियर करा दिया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो पेज बॉर्डर से संबंधित है। हम पेज बॉर्डर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम डिज़ाइन वाले बॉर्डर को कैसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं, तो आज की वीडियो में फाइनली डिस्कस करेंगे पेज बॉर्डर फंक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स, यहाँ पर मेरा एक डॉक्यूमेंट है, मुझे इसमें बॉर्डर्स चाहिए, कि कुछ सिंपल, कुछ स्टाइलिश जैसा भी है, सभी प्रकार के हम सीखेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। तो मुझे कुछ बॉर्डर्स चाहिए, तो सिंपल से मैं बॉर्डर पर क्लिक करूँगा, जहाँ पर बॉर्डर का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले होगा, ठीक है। अभी नन यहाँ फंक्शन है, वो एक्टिवेट है, क्योंकि बॉर्डर्स अभी है नहीं, ठीक है। मुझे बॉर्डर्स चाहिए, तो सिंपल सा यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा होगा, कोई बॉर्डर्स नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बॉक्स पर, तो देखिए यहाँ पर सारे लाइन हो चुकी है, प्रीव्यू आपको शो कर रहे हैं यहाँ पॉइंटर पर। ओके प्रेस करता हूँ, तो देखिए पूरे में बॉर्डर आ चुका है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे बॉर्डर की यहाँ पर कुछ स्टाइलिश डिज़ाइन डालने हैं, तो यहाँ पर आपको आर्ट नाम का एक फंक्शन देगा इसी डायलॉग बॉक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस आर्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बॉर्डर की वो डाल सकते हैं डिज़ाइन वाले। चलिए मैं इसको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले यदि बॉर्डर की आपको विड्थ को थोड़ा बढ़ानी है विड्थ उसकी, ठीक है, तो बॉर्डर पे आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आपको लाइन थोड़ी पतली सी दिख रही है, ठीक है, विड्थ मतलब उसकी जो विड्थ है ना वो कम है, यदि बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो विड्थ की लाइन आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर फिर से आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप चाह रहे हैं मुझे विड्थ में कोई कलर देना है, तो सिंपल से आप यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे, तो बॉर्डर जो विड्थ है उसकी कलर आ जाएगा, जो बॉर्डर पर कौन सा कलर देना है वो आप सिलेक्ट करना। मैं चलिए पर्पल ले लेता हूँ, क्लिक कर लेता, देखिए यहाँ पर पर्पल कलर बॉर्डर में आ चुका है, ठीक है। तो आपने बॉर्डर को इंसर्ट कराना, उसमें कलर देना और विड्थ, तीनों चीज़ें सीख ली हैं। अब मैं बात करता हूँ आर्ट। आर्ट में यदि आपको बॉर्डर में इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, जिस तरह आर्ट है, चलिए मैं यहाँ पर बॉर्डर में यहाँ पर स्टार ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टार पूरे बॉर्डर में आ गए। तो ये बॉर्डर को बॉर्डर इस तरह की बॉर्डर डालने पर डॉक्यूमेंट थोड़ा अट्रैक्टिव और डेकोरेशन जैसा लगता है, जैसे कि कोई डेकोरेशन अच्छी कर दी हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई फंक्शनलिटी जो कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आप इस तरह का बॉर्डर डाल सकते हैं। चलिए मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत से प्रकार के बॉर्डर हैं, चलिए देखिए ये ले लेते हैं, ये देखिए है ना दोस्तों। तो आप इस फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी प्रकार की बॉर्डर ले सकते हैं, ठीक है। विड्थ आपको बड़ी या छोटी करनी हो, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये देखिए प्रीव्यू शो कर रहा होगा, देखिए यहाँ पर विड्थ करेंगे, विड्थ की हाइट ज़्यादा करने बढ़ करने यहाँ से देख लेंगे और ये करेंगे, तो इस तरह की विड्थ आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, आपको क्या रखना है। अब सपोज करो आपको साइड की विड्थ नहीं चाहिए और लेफ्ट और राइट की विड्थ नहीं चाहिए, तो ऐसे कैसे कर सकते, तो यहाँ पर चार चेक बॉक्स दिख रहे हैं आपको। तो जैसे मुझे लेफ्ट और राइट की विड्थ नहीं चाहिए, तो ये सब प्रीव्यू में दिख रहा है, मैंने दोनों ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर दिया, ओके प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दोनों की नहीं, केवल टॉप और बॉटम की ही आपको बॉर्डर दिखेगी, ठीक है। ऐसे ही आप यदि किसी बॉर्डर को नहीं चाहिए, तो पर्टिकुलर एक जगह की बॉर्डर चाहिए, तो आप कर सकते हो। मुझे टॉप की चाहिए, तो टॉप को एक्टिवेट कर दीजिए, तो प्रीव्यू आपको सामने दिख ही जाएगा, और ओके करेंगे तो केवल ऊपर ही ऊपर बॉर्डर आएगी और कहीं पर भी बॉर्डर नहीं आएगी, है ना दोस्तों।
तो यहाँ पर आपको साइड जो भी आप करना है तो वहाँ एक्टिवेट कर लेना है, यहाँ डीएक्टिवेट कर लेंगे आप तो आपको और आसानी हो जाएगी फंक्शन से संबंधित। ठीक है, इस फंक्शन को और बॉर्डर को और तरीके करने के लिए, जिस तरह आपको लाइन चाहिए ठीक है, इस तरह के नन कर देने यहाँ पर ये चीज़ हटानी है तो, और लाइन इस तरह की चाहिए आपको ठीक है, तो यहाँ पर वो भी आप कर सकते हैं। चलिए विद में रख लेता हूँ थोड़ी, ओके बेटा, तो इस तरह की आप बॉर्डर डाल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर में केवल आप कलर और भेद ये चीज़ें ही आपको रखना है, ये फंक्शन आप समझ लेना, बॉर्डर को अच्छे तरीके से पेज में आ जाएगा। तो आई होप आपको बॉर्डर समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो आप और इस फंक्शन एमएस वर्ड की और फंक्शन की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड एंड थैंक्स एंड बाय बाय।